खुशी की लहर दौड़ उठी है अपने नौजवानों के बीच में, तो आपका क्या रिएक्शन है पबजी के कमबैक पे? ई स्पोर्ट्स में पैसे हैं और कितने हैं ये बताओ, तब आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। मेरे क्या, मैंने इसको बताया कि भाई देखो ऐसा आया था मतलब होटल होटल करके, अबे होटल then I went on Instagram and I checked, that's I remember 5.4 million। हाँ, इसने बोला पीछे एक मॉडल है, लाइक मॉडल है था क्यों, कोई बड़ा है क्या आदमी, ठीक है कोई बात नहीं, पता ही नहीं था मॉडल कौन है। बट गेमिंग लैपटॉप जिसके लिए आपको अपने पिताश्री को क्या बोलते हैं कन्विंस करना पड़ा, वो कितने का था? तो वो था 65,000 का, बट 65,000 का, 65,000 का पहला लैपटॉप। मैं को कैसे मैं अपने स्किल्स बढ़ाऊं कि मैं अच्छा खेलने लगूं और मैं भी नोट छापने लगूं फटाफट। तो जैसा कि एवरेज स्पोर्ट्स प्लेयर आई थिंक 17 से 18 घंटे टोटल मिला के उस गेम को अपने एक गेम को डेडिकेट करता है, तब आगे। करेंटली जो लैपटॉप है वो कितने का है? तो करेंटली मेरे पास MSI का रिकॉर्ड है, वो है 1,35,000। e-sports, ये आपने हर जगह आजकल सुना होगा, खास करके जो PUBG वापस आ चुका है, तो मैंने सोचा why not we do a podcast on it since now अभी इंडिया में एक ऑफिशियल स्पोर्ट रिकग्नाइज हो चुका है। यस, e-sports इज एन ऑफिशियल स्पोर्ट जो कि भारतीय सरकार द्वारा रिकग्नाइज हो चुका है। तो मैंने सोचा अपने दोस्त को बुलाता हूँ जो कि e-sports enthusiast है, बहुत सारे गेम्स खेलता है और काफ़ी इन्वेस्टेड रहता है उसमें। तो अद्वित्य आज हमारे साथ है, तो अद्वित्य आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। हाँ, तो बेसिकली मैं तो, मेरा तो पूरी ज़िंदगी लाइक मेरे हिसाब से जब से मैंने गेमिंग चालू करी है तब से वो पूरे टाइम मेरा गेम में ही निकलता है पूरा। मैं स्टार्ट करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मेरा लैपटॉप खुलता है। आई थिंक मैं कभी कोई ब्रश करना भूल जाता हूँ पर लैपटॉप खुलना नहीं भूलता। ओह शिट, तो ये तो गंदा हो गया नहीं मैं बाद में जाके कर लेता हूँ। और शायद मैं अपने रियल लाइफ में जितने मेरे दोस्त हैं उन लोगों के साथ मैं जितना टाइम स्पेंड करता हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं अपने वर्चुअल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो केरला के हैं और उड़ीसा के हैं और मैंने आज तक उनको कभी, मैं उनसे मिला नहीं हूँ आज तक कभी, मैंने उनको इन पर्सन कभी देखा नहीं ऐसे कुछ। हम लोग सिर्फ डिस्कॉर्ड के थ्रू ही बात करते हैं बट उनसे जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है मेरा डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड एक जैसे आपका व्हाट्सएप है वैसे एक मैसेजिंग ऐप है जो कि थोड़ा व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। बेसिकली व्हाट्सएप नहीं मैं जूम बोलूँगा उसको, Zoom जैसा कि उसमें आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं। कई बार इतने फीचर है कि समझ ही नहीं आता करना क्या है। एग्जैक्टली, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है काफी। हाँ। मैं जब आई थिंक कोविड के एक साल पहले मैं आई थिंक गेमिंग से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, उस टाइम पे मैं बिल्कुल कोविड का स्टार्टिंग ही था एंड सब लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था, सब लोग काफी उस टाइम माहौल टेंस था, तब लगा कि अब क्या कर सकते हैं क्योंकि ना कुछ उस टाइम ना कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट का कुछ था आस्पेक्ट, सब लोग घर थे घर में सब लोग बंद थे, कुछ करने को नहीं था। तब मैंने अपना पहला गेमिंग पीसी खरीदा, बड़ी मुश्किल से मैंने पापा को कन्विंस किया कि यू नो कि मेरे को एक गेमिंग लैपटॉप दिया जाए। और नॉर्मल लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप में क्या फर्क? तो नॉर्मल लैपटॉप सिर्फ अपना डे टू डे ऑफिस वर्क के लिए काम आता है, उसमें अगर आप गेम चलाओगे या हैवी वर्क करोगे तो लैग करेगा, ज़्यादा अच्छे चलेगा नहीं एंड बस कई लैपटॉप भी बुक कर सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैंडल नहीं, बट हाँ उसको हैंडल नहीं। तो गेमिंग लैपटॉप में बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड रहता है, अच्छे स्क्रीन रेजोल्यूशन रहता है, बाकी वो आप महंगा भी हाँ जितना आप प्राइस बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से आपके। तो आपका जो पहला गेमिंग लैपटॉप जिसके लिए आपको अपने पिताश्री को क्या बोलते हैं कन्विंस करना पड़ा, वो कितने का था? तो वो था 65,000 का, बट 65,000 का, 65,000 का पहला लैपटॉप था मेरा, HP पवेलियन 1650 था वो, काफ़ी बेसिक ग्राफिक कार्ड है स्टार्टिंग लेवल गेमर्स के लिए। एंड ऑफकोर्स टाइम में सो पापा ने 45,000 का रेंज दिया था, लिमिट दी थी, और मैंने खींच के नहीं नहीं इसमें ये अच्छा है इसमें अच्छा है थोड़ा सा बना थोड़ा बेवकूफ बना रहा मैं गैस कर सकता हूँ आप लौते बैठे हैं क्या बिल्कुल तो थोड़ा सा मना के थोड़ा सा पागल बना के थोड़ा सा डर के मैंने उनको वहां तक खींच लिया देख रहे हो अंकल और उसके बाद से मैं
तीन लैपटॉप चेंज कर चुका हूँ। मेरा पहला लैपटॉप था, उसके बाद थोड़ा सा मैंने और आगे। करेंटली जो लैपटॉप है वो कितने का है? तो करेंटली मेरे पास MSI का लेपर्ड है, वो है 135,000 का, एंड इट्स RTX 3070, वो लाइक अब थोड़ा एडवांस लैपटॉप है वो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब मैं जो पहले गेम्स नहीं खेल पाता था जो मेरे को काफ़ी पसंद आते थे, जैसे अगर मैं तुम्हें कुछ टाइटल्स बताऊँ तो Red Dead Redemption 2 हो गया, Far Cry हो गया, Far Cry का बहुत बड़ा फैन था मैं, काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स है उसके, काफ़ी अच्छा देखो मेरा पुराना लैपटॉप बिल्कुल रो देता था उसको चला के तो वो गेम्स जब मैंने खरीदा था काफ़ी खुश था कि हाँ मैं वो गेम्स वापस। चलो ठीक है, तो आई थिंक ऑडियंस को आइडिया लग गया है कि मैंने जो शुरू में कहा कि वो काफ़ी इन्वेस्टेड है, तो अब आपको इसका मतलब पता चल गया। ऑलमोस्ट 1.5 लाख का लैपटॉप है, ये वही लोग लेते हैं जो इसको लेके सीरियस होते हैं, कोई टाइम पास के लिए तो ऐसा करता नहीं, अनलेस भाई आपके पास बहुत डिस्पोजेबल इनकम हो। तो फिर अच्छा हम अगले सवाल पे आते हैं कि पबजी इज बैक, इसको शायद कितने 4-5 दिन हुए हैं, एक हफ्ता लगभग हो गया है, अभी 3 महीने के ट्रायल पीरियड पे आया है, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस लाया है अपने साथ विच आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और अभी ट्रायल पीरियड पे है, BGMI जो उसके क्रिएटर्स हैं उन्होंने दोबारा से लॉन्च किया है, तो एक खुशी की लहर दौड़ उठी है अपने नौजवानों के बीच में। तो आपका क्या रिएक्शन है पबजी के कमबैक पे? तो मैं चालू करूँगा पबजी 2020 जब मेरा MBA ख़त्म हो रहा था, फर्स्ट MBA, और उस टाइम पे पबजी बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, हम लोग घंटों खेल रहे, पता ही नहीं चल रहा है, टाइम कम निकल रहा है, घर वाले चिल्ला रहे हैं, वो जो टाइम था आई थिंक वो असली हाईएस्ट पॉइंट था पबजी के लिए और BGMI के लिए। बट अभी जब वापस आए आई थिंक काफ़ी लोग बहुत उदास थे कि BGMI चला गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो हैं उनके पास, आपको जैसे तुमने बात करी कि डिस्पोजेबल इनकम और इतने महंगे लैपटॉप्स हैं, सब आई थिंक सब लोग उतना महंगा लैपटॉप, या अगर स्टार्टिंग भी करूँ आज के ज़माने में अगर बेसिक सा गेमिंग लैपटॉप चालू होगा तो 40-45 हज़ार से चालू होता ही होता है, एंड अच्छा फ़ोन जो कि अभी भी महंगा ही कहलाता है, काफ़ी महंगा है ऑफकोर्स। तो और एक अगर मैं एंड्रॉइड पे जाऊँ तो अगर जैसे वीवो ओप्पो या कोई अच्छे फ़ोन भी हो तो 14-15 हज़ार की रेंज में आपको अच्छा मोबाइल मिल जाता है, तो आपको अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है और ख़ासतौर पे BGMI जैसे गेम। तो आई थिंक इंडिया के एस्पेक्ट से देखें तो अभी भी जो मोबाइल गेमिंग जो ऑडियंस है वो आई थिंक 70-80% है, तो आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक बहुत बहुत खुश होगी जनता की BGMI वापस आ गया। और जैसे ही वापस आया ऑफकोर्स मैंने भी सबसे पहले उसको डाउनलोड किया, मेरे पास थी हमारी पुरानी यादें ताज़ा करें, और बहुत अच्छा है एक मेरे हिसाब से एक प्लेटफॉर्म है BGMI, सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए। मेरे भी जो दोस्त हैं जो कॉलेज के जो स्कूल वाले उनसे मेरी रोज़ या मैं कहूँ BGMI से पहले महीनों बात नहीं होती, और जैसे BGMI वापस आया आप कुछ नहीं गेम खेलने के लिए एटलीस्ट आप उनसे बात करने के लिए उनसे उनके साथ मजे करने के लिए मजा आप, पे आता है। हाँ, तो वो करने के लिए आप BGMI पे जाते हैं तो चिकन डिनर हुआ एक आध बार कौन करो था ऐसा तो मैं बहुत बहुत अच्छा मेरे हिसाब से है, अच्छा है गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए क्योंकि काफी कंप्लेंट्स थी पेरेंट्स। अब रेगुलेशन के हिसाब से आई थिंक अगर आप 18 के नीचे हो तो कितने घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, हाँ, और 18 के ऊपर है तो 6 घंटे खेल सकते हो लिमिट पर, आई थिंक यही रूल्स हैं, पता नहीं आप चेक कर सकते हैं। 3 महीने के ट्रायल पीरियड पे है, पबजी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज थे जो कि एक्चुअली बात भी सही है कि इफ अ गेम इज अफेक्टिंग द सोसाइटी नेगेटिवली तो उस पर तो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कुछ अलग ही स्टेप कर रहे थे, रियल लाइफ में पबजी खेल रहे थे, तो ऐसे भी केसेस आ रहे थे। सो एनीवेज लेट्स सी वेयर पबजी गोस। तो एक बात बताइए कि जो ये ई स्पोर्ट्स है, इसे आप गवर्नमेंट ने कहा कि ये स्पोर्ट्स है, ऑफिशियल स्पोर्ट्स है, तो ये ई स्पोर्ट्स और जो Why did it take it so much time? इतना time क्यों लगा इसे ये पहली बात तो recognition पाने में, और क्या ये other sports से different कैसे है और क्यों है? क्योंकि देखो आप उस community का हिस्सा हो, मैं थोड़ा बहुत PUBG खेलता था, थोड़े बहुत mobile games खेलता हूँ, but उतना मेरे को उस world का knowledge नहीं है, तो मैं वो knowledge लेना चाहता हूँ। तो मेरे जैसे layman को समझाइए कि e-sports officially एक sports कैसे हुआ? तो मैं सबसे पहले आई थिंक जाऊँगा सोसाइटी एंड नॉर्म्स पे अपने इंडिया की, क्योंकि अपनी सोसाइटी जो है वो यूजुअली ये डिजिटलाइजेशन, डिजिटल गेमिंग, इन सब से अपने बच्चों को दूर भी रखना चाहती है।
ठीक है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा एक फैक्टर था ई स्पोर्ट्स को इंडिया में इस्टेब्लिश होने में इतना टाइम लगा, क्योंकि तो बाकी जो कंट्रीज अगर आप देखो तो वही एशियन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अमेरिकन कंट्रीज हो गई खासतौर पर, तो वहाँ पे तो मैं बताऊँ वहाँ पे एक कल्चर है कि एक पिता अपने बच्चे से या अपने लड़के लड़की से बॉन्ड करता है थ्रू पीसीज एंड गेमिंग, अच्छा, राइट? सो तो ये अगर नया कल्चर है। हाँ लाइक, तो वही बता रहा हूँ, इंडिया में अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, वो उनके लिए भी वो बाप नया बेटे है। की जोड़ी है कोई इंडिया में जो खेलती हो? अच्छा, मैं शायद बन जाऊँ आइडल ना, अभी तो ऐसा तो नहीं, मैं जानता हूँ किसी मैं को शायद बन जाऊँ। बोलो, अपने पापा की बात कर रहा है बट वैसे अच्छा, नहीं, अपने पापा बनने की बात कर रहा हाँ है। एग्जैक्टली, नहीं तो होंगे शादी करवा दे जल्दी इसकी। और भी आई थिंक होंगे बिल्कुल, हाँ, बट कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन अनकॉमन नहीं है, चीज है वो चीज। अगर टाइम लगता है, टाइम हाँ, लगेगा। अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर देखो तो लाइक काफी टाइम से प्ले स्टेशन पीसी उन पे ही उनका बॉन्डिंग ज्यादा या रहता है, लाइक हाँ, लोग खेलते हैं उसके साथ बॉन्ड इंस्टा पे भी करते देखते हैं। हैं ना कि हाँ वो बाप बेटे माँ बेटी सब बैठे हुए हैं, सबके सेटअप हाँ तो है, लाइक सब अपना गेम खेल रहे उनका हैं। गेम नाइट्स हो रही है, राइट? तो लाइक हाँ फ्राइडे नाइट है, सैटरडे नाइट है, डिक्लेयर्ड दैट एज गेमिंग नाइट, पर करेक्ट, गेमिंग नाइट हो रही है, इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तो। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन पे आना कि ई स्पोर्ट्स क्यों मेरे हिसाब से एक स्पोर्ट है या स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो ई स्पोर्ट्स पे मैच होते हैं, जैसे कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे एथलीट। सो व्हाई हैव वी रिकॉग्नाइज ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स एथलीट, बिकॉज यू नीड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैव, ठीक है? तो यू नीड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस चाहिए आपको, मेंटल पीस चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, स्टैट्स चाहिए, टैक्टिक्स चाहिए, कोचेस चाहिए, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट यू नीड इन ई स्पोर्ट्स। यार लेकिन देखो, अगेन मैं लेमैन के उससे देख रहा हूँ, मैं जो अभी भी देखता हूँ तो मेरे को बस दिखता है एक बंदा कुर्सी पे बैठा है, लैपटॉप पे बैठा है या पीसी पे बैठा है, वो गया। और मैं एक दूसरी तरफ देखता हूँ फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, कोई और स्पोर्ट हो गया, वो बंदा दौड़ रहा है, धूप रहा है, पसीने बहा रहा है, वैसे फिजिकल दिख रहा है कि ना वो स्पोर्ट है। हमारे माइंड में तो स्पोर्ट वही है ना बचपन से, तो ये कैसे हजम नहीं होती बात। यही मैं बोला, अब यही यही जो माइंडसेट है वो हाँ चेंज करना है, क्योंकि हाँ ये जो माइंडसेट है उसके चक्कर में ही इतना टाइम लगा स्पोर्ट्स को इस फेज में आने में एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि हाउ मच गोज इनटू बीइंग अ टॉप एथलीट इन द कंट्री, राइट? सो अगर मैं वैलोरेंट का एग्जांपल लूँ, सो जो टॉप प्लेयर्स हैं लाइक जो रेडियंस हैं या जो टॉप रैंक है वैलोरेंट में, दैट इज टॉप 500 प्लेयर्स, राइट? सो बीइंग द टॉप 500 प्लेयर्स इन योर रीजन राइट, इज आई थिंक अ रियली बिग अचीवमेंट, और जो टॉप 10 टॉप 15 या टॉप 3 में है, सो यू कैन नॉट इमेजिन द ग्राइंड हाँ जो करेक्ट, उसके पीछे जा रहा है, राइट? सो अगर मैं तुम्हें बताऊँ ऑन एन एवरेज एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर और एक गेमर, सो गेमर एक दिन में कितना ही घंटा खेलता है, तो मेरे को देख लो मैं खेलूँ तो 5 से 6 घंटा मैक्स में दूंगा, हाँ सब स्कूल ठीक है? कॉलेज पढ़ाई लिखाई करके टाइम एवरेज ई निकाल स्पोर्ट्स प्लेयर आई थिंक 17-18 घंटे, सत्रह 17 से 18 घंटे टोटल मिला के उस गेम को अपने एक गेम को डेडिकेट करता है, तब जाके वो उसमें इतना मास्टर कर पाता है कि दैट कैन रीच टू दैट। सो आई थिंक और उसमें फटीग है, आपका रिस्ट पूरे टाइम चल रहा है, आपकी हाँ फिंगर्स दर्द हो रही है, रिस्ट दर्द हो रही है, आपका पोस्चर, आप बैठे हुए हो, ठीक है, आंखें 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 हैं आपकी ऑफ कोर्स, तो और एक और इस बात पर अगर मैं इसी टॉपिक से उस पर आना चाहूँ, तो फिजिकल जो नीड्स आप हो रही जो चल रहे हैं, आई थिंक फिजिकली भी बहुत आजकल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स रियलाइज कर चुके हैं कि हाँ वी हैव टू बी फिजिकल फिट टू बी इन ई स्पोर्ट्स, क्योंकि ई स्पोर्ट्स डिमांड करता है यंग टैलेंट आजकल सेम, तो एक मैं बोलो ट्रेडिशनल स्पोर्ट और ई स्पोर्ट्स में कुछ डिफरेंस रहा नहीं है, ठीक है? सेम वही आपको फुर्ती चाहिए शरीर में, सेम यंगनेस चाहिए, सेम आपके रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, क्विकनेस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग टाइम आपका इंस्टेंट होना, क्योंकि 2 सेकेंड के या 1 सेकेंड के टाइम फ्रेम में आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट मूव, राइट? सो आई थिंक दैट ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है बीइंग ई स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट। आई थिंक बाकी स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, आपने कहा कि माइंड सेट की बात है, तो माइंड सेट एक और चीज़ से बनती है, पैसे से। बाकी स्पोर्ट्स में एक करियर पाथ बन चुका है कि भाई मैं ये करूँगा तो मैं लाइफ सेट,
अगर मैं क्रिकेट में जाऊंगा आईपीएल खेल लिया, रणजी खेल लिया, मैं लाइफ सेट। फुटबॉल में मैंने आई लीग खेल लिया, आईएसएल खेल लिया, लाइफ सेट, सरकारी नौकरी। तो ई स्पोर्ट्स में पैसे हैं और कितने हैं ये बताओ, तब आई थिंक लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता है। मेरे जैसे लोगों का आई थिंक, जो खेल रहे हो तो पता ही होगा कि कितनी कमाई होती है, क्या होती है। अगर ऐसे देखा जाओ तो तुम कभी टॉप कोई कंपनीज हैं या आई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई टीम्स हैं, इफ यू आर गुड इनफ, ऑफ कोर्स इन एवरी स्पोर्ट इफ यू आर गुड इनफ यू हाँ गेट दैट मनी राइट। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप मेरी तरह खेल रहे हैं, हम लोग कॉमन में एकदम खेलते हैं गली में और हमको टॉप डॉलर्स में कमा रहे हैं, दैट्स नॉट एप्लीकेबल एट ऑल राइट। सो ई स्पोर्ट्स में भी वही चीज़ है। सो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँ जो काफ़ी लोग जानते होंगे, बीजेएमआई के एग्जाम्पल्स दूंगा, पबजी के तन्मय सिंह जो स्काउट के नाम से स्काउट काफ़ी फेमस है, तुम जानते होगे, सुना है काफ़ी बीच में मस्टैंग ले ली थी, यू नो काफ़ी हाँ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि मस्टैंग कैसे ले लिए पबजी खेलने वाले बंदे ने, ठीक है। तो मैंने पॉडकास्ट भी देखा शायद हाँ, उनका। तो और उसके बाद हर्ष नाम से एक बंदा है, ओमेगा इन गेम नाम है उसका, सोल में खेलता है वो, उसको उनका इन गेम लीडर है वो बीजेएमआई लाइनअप का। सो पिछले साल 2022 में ही अर्न्ड अबाउट 32 to 35 lakhs इन प्राइज मनी राइट। सो सिर्फ प्राइज मनी की बात करूँगा, बट टूर्नामेंट से जीते हुए पैसे सिर्फ 35 लाख रुपए थे, ठीक है। और अदर जो सोर्सेज ऑफ इनकम है जो स्पोर्ट्स प्लेयर की होती है बेसिकली, तो स्पॉन्सरशिप डील्स होती हैं उनकी, स्ट्रीमिंग से जो कमाते हैं, स्ट्रीमिंग जो डोनेशन आते हैं उनसे रहता है उनका, उसके बाद उनकी ब्रांड ब्रांड डील्स होती हैं अलग अलग उनसे रहता है उनके पास, टूर्नामेंट अर्निंग्स रहती हैं, तो सारी चीज़ें मिला के उसका एक आस्पेक्ट सिंगली उसमें 32 से 35 लाख रुपये कमाए। सो आई थिंक टॉप टॉप हो गए हाँ टॉप एथलीट्स आई थिंक अगर उस रेंज तक पहुँच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, तो मेरे हिसाब से अब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि पाथवे बनाने पाथवे बनाने के लिए एग्जैक्टली, कि कुछ लोकल टूर्नामेंट्स कराएं एशिया, अब जैसे वो लगा एशिया गेम्स में भी स्पोर्ट्स का आगमन हो गया है, खेलो इंडिया में होगा, खेलो इंडिया में मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि ओलंपिक्स में आ गया है, तो आई थिंक इंडिया में भी आना चाहिए। अब कौन से गेम्स खेले जाते हैं जो गेम्स है, वो ई स्पोर्ट्स है कहने के लिए, पर वो है ट्रेडिशनली, जैसे ई स्पोर्ट्स में अगर मैं बोलूँ तो बेसबॉल है, सेलिंग है, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से ही जैवलिन थ्रो है, कार रेसिंग है, कार सिमुलेटेड गेम्स, तो बेसिकली जो पहले से ही लाइव अवेलेबल है गेम्स या जो बाहर खेले जाते हैं उन्हीं को वर्चुअली कंडक्ट करके ओलंपिक्स में खिलाया जा रहा है। आई थिंक वो उनके ऑफ कोर्स नॉर्म्स में भी आता है कि वो हमारा ये थोड़ा बोरिंग नहीं हो गया एग्जैक्टली तो वही बोल रहा कि अब लाओ तो ढंग से लाओ स्पोर्ट्स गेम्स हैं जो एक्चुअली टॉप टियर टूर्नामेंट्स हैं जो एक्चुअली यूरोप में हो रहे हैं, एशिया में हो रहे हैं, सो जैसे मान लो काउंटर स्ट्राइक है, डोटा 2 है, लीग ऑफ लेजेंड्स है, वैलोरेंट है, जहाँ पे प्राइस पूल्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे जा रहे हैं इस टाइम पे, तो वो जो गेम्स हैं वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए इस फॉर्मेट में, क्योंकि दैट इज द रियल स्पोर्ट। बट ये आई थिंक काफ़ी जो नाम लिए वायलेंट गेम्स भी हैं और अलग अलग दृश्य भी दिखने को मिलते हैं उन गेम्स में, तो सरकार ऐसी चीज़ को इंडोर्स करेगी नहीं करेगी आई थिंक वो टाइम बताएगा। वो भी है बट आई थिंक अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर पिछली बार देखा जाओ तब तक पबजी बैन नहीं हुआ था, तब तक लाखों प्राइस पूल के टूर्नामेंट्स इंडिया में हो रहे थे पबजी के, एंड बैन हुआ था इसलिए क्योंकि इट वाज कंसीडर्ड टू बी अ हॉस्टाइल गेम। बट अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए, सो जस्ट लुक एट द एथलीट व्हिच आर कमिंग अप, लुक द अमाउंट ऑफ मनी दे आर अर्निंग, द ट्रैक्शन दे आर गेनिंग, ठीक है, मॉडल है भाई, मॉडल के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, 5.4 मिलियन कुछ थे लास्ट टाइम आई चेक। हां तो भाई एक हिस्सा बताओ मॉर्टल से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें एक इंटर्नशिप का मौका मिला था, एक यूके की फुटबॉल क्लब आई हुई थी और उनका एक इवेंट हो रहा था सोहो हाउस मुंबई में, तो मैं देखो मैं कितना वो हूँ, मेरे को पता ही नहीं था कि मॉर्टल कौन है, तो वो जो फुटबॉल क्लब को फॉलो करता है वो काफ़ी पोस्ट भी करता है अपने उस पर, मैं नाम नहीं ले रहा क्लब का, तो
वो आया था तो मेरे को वहाँ पे अर्जुन कपूर भी दिखा, मेरे को वहाँ एक उस क्लब के लेजेंड आए हुए थे। मैंने देखा ये बंदा कौन है जो स्टेज पे बैठा हुआ है इन दोनों के साथ, मेरा लगा होगा कोई फैन वैन ऐसे ही ठीक है। आई थिंक उसका नाम नमन है, नमन है शायद। तो फिर पीपल वर कॉलिंग, नो वन वाज मेंशनिंग मॉर्टल। आई थिंक क्योंकि मॉर्टल वैसे मैंने एक दो बार सुना था ना, बट मैं जानता नहीं था कि ये दिखता, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता ना। फिर मैं घर गया, मैंने इसको बताया कि भाई देखो ऐसा आया था मतलब मॉर्टल वोटल करके। अच्छा अबे उस बंदे ने भी जो अचीव किया आई थिंक याद करता था उसकी एक पबजी की एक क्लिप थी जो वायरल हो गई, और उस वायरल क्लिप से उसने जो अपना फैन बेस बनाना चालू किया। और तो जहां पे पबजी खेलता था, मैं पबजी खेलता था, वो पबजी का ही प्लेयर था पहले, सोल से पहले ही उसमें तो कैजुअली खेलता था। उसके बाद सोल में आके उस जो मेन टीम थी सोल की, उसका वो एक आईजीएल था। तो मेरे को अभी भी याद है शायद वाइपर, मॉर्टल, रौनक और ओवेस, ये चार लोगों का लाइनअप था जिन्होंने काफी अच्छे टूर्नामेंट, काफी हाई लेवल पे खेला था, काफी अच्छे टूर्नामेंट्स जीते। इंडिया से कोई कंपटीशन जीतने वाली पहली टीम थी जिसने ये जीता था। तो वहां से जो ट्रैक्शन उसने गेन चालू की, तो मैं बस वही बोलना चाहूंगा कि अगर इसको अगर कमर्शियलाइज नजरिए से देखा जाए, कमर्शियलाइज में देखा जाए कि कितने पैसे आप कमा सकते हो थ्रू ई-स्पोर्ट्स, तो सिर्फ एक You don't have to be in e-sports there to earn money in e-sports. Like आजकल बहुत सारी चीजें हैं, coaching है, content creation है। उस पे हम लोग आएंगे अभी, revenue streams पे आएंगे, वो भी मेरा एक सवाल है। बहुत सारे aspect हैं अभी e-sports के जिससे मेरे सबसे पैसे। अभी हम लोग इसी पे stick रहते हैं कि बंदा अगर इसमें career बनाना चाहे, ठीक है, so now PUBG is back, अभी PUBG भी uncertain है। तो अगर कोई आना चाहता है इस industry में, उसे कैसे आना चाहिए? क्या उसे शुरू में सब झोंक देना चाहिए, या कैसे उसे यू नो लाइक पहले मोबाइल से शुरू करे, फिर लैपटॉप से करे, मतलब एक व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे टू डू दिस? नहीं तो ये सबसे पहला मेरे सबसे स्टेप जो रहता है इस प्रोसेस में रहता है गेम सिलेक्शन। गेम सिलेक्शन तो गेम सिलेक्शन अच्छे हो या आपको कौन पसंद आता है, आप दोनों चीज़ें, दोनों बेसिकली आप पहली बात तो आप अच्छे होने चाहिए ऑफकोर्स। तो आप जिसमें अच्छे हो, जिसमें आप एक अपना किसी कंपनी को आप वैल्यू दे सकते हो उसको खेल, ठीक है, तभी वो कंपनी आपको इसमें आगे जाने देगी या लेगी, उसके हिसाब से वो आपको देखेगी। आप कंपनी को कमा के दो, हाँ, कि आप कि मैं आपकी टीम में अगर आता हूँ तो व्हाट वैल्यू बनाया है। लाइक अगर मैं इन गेम लीडर हूँ, मैं सपोर्ट प्लेयर हूँ, मैं असॉल्टर हूँ, तो मैं उसमें कितना अच्छा हूँ। पोजीशंस रहते हैं, हाँ, स्ट्राइकर, डिफेंडर, मिडबैक, मिडफील्डर, वैसे वही मैंने बोला कि सेम ट्रेडिशनल स्पोर्ट स्पोर्ट वही बात। इंटरेस्टिंग। तो अपना रोल, अपना गेम चूज करो जिसमें तुम सोचते हो कि या समझते हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, एंड आई कैन बी समवन हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। स्टार्ट फ्रॉम देयर, बिल्ड योर इमेज, बिल्ड योर गेम, खेलो। लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत सारे, आप छोटे छोटे टूर्नामेंट से 100 रुपये 500 रुपये एंट्री फीस दे के आप खेलो, वहाँ पर अपना नाम बनाओ। नाम बनाने से ही आपका जो पाथवे है वो क्रिएट होता है इस टाइम। जो मतलब है लोकल टूर्नामेंट्स, मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत ही छोटे लोकल टूर्नामेंट्स। तो जैसे टॉप ऑफ द माइंड मेरे को कुछ एग्जांपल याद नहीं आ रहा, बट काफी लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। सो वहाँ पे क्राउड रहता है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, वहाँ पे और छोटी टीम्स के कोचेस रहते हैं। सो टीयर वाइज देखो, ठीक है, तो जैसे हर अगर सिटीज का टीयर रहता है कि टीयर वन सिटी हो गई, वहाँ पे बेस्ट कोचे अकेडमीज होंगी, टीयर टू सिटीज में थोड़ी कम अकेडमीज होंगी। सेम चीज स्पोर्ट्स में रहती है। तो मुंबई में भी अगर टॉप अगर कोई बड़ी कंपनी है जो अच्छा इवेंट्स करवाती है, तो वो एक बड़ा टूर्नामेंट करवाती है, तो आपकी एंट्री वहाँ मुश्किल है ऑफकोर्स, क्योंकि आप टॉप प्लेयर नहीं हो, वहाँ नहीं खेल सकते। बट जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे टूर्नामेंट्स हैं, वहाँ से यू स्टार्ट गेनिंग रिकॉग्निशन, ठीक है, वहाँ पे और भी लोग होंगे, वो आपको देखेंगे खेलते हुए, अगर दे लव योर गेम स्टाइल, तो आपका नाम फैलेगा धीरे धीरे, राइट, आप लोगों की आंखों में आओगे। बेसिकली अ शॉर्ट वे ऑफ स्काउटिंग, राइट।
राइट, कि आप स्काउट हो रहे हो बेसिकली, धीरे धीरे अपना नाम बना रहे हो, जीत रहे हो, आप वहां से छोटे छोटे कैश प्राइज उठा रहे हो, एमवीपी बन रहे हो। तो इंडिया में ई-स्पोर्ट्स में भी कंपनीज आ रही हैं जो ये टीम्स रखती हैं, उनको शायद सैलरीज भी देती हैं, उनको पैकेजेस देते हैं, घर देते हैं, गाड़ियां देते हैं, आईफोन्स देते हैं, सब हर तरह की सारी अमेनिटीज देते हैं, उनको बोलते हैं तेरा बस एक काम है तू खेल। तो उन कंपनीज के नजर में आने के लिए क्या करना पड़ता है और कितनी ऐसी कंपनीज हैं अभी इस टाइम पे? तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा हो गई है, लाइक मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट लाइक अगर टॉप में जाऊँ मैं, टॉप कंपनीज में, तो एटलीस्ट पहले अगर मैं देखूँ जब पबजी के टाइम पे था तो इंडिया से आई थिंक 20-25 कंपनीज होंगी जो थी, उसमें से काफ़ी शट डाउन हो गई जैसे पबजी के बंद होने के बाद। बट अब जैसे वैलोरेंट और नए गेम्स, पीसी गेमिंग का भी आप वापस आ गए, कंसोल गेमिंग, फीफा, सो जैसे अगर आईएसएल की बात करें तो ईआईएसएल चलता है, तो ये जो क्लब्स हैं अपने केरला ब्लास्टर्स, मुंबई सिटी, सब तो इनकी स्पोर्ट्स टीम्स भी हैं, तो ये लोग भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज हो गई, प्यूमा हो गई, नाइकी हो गई, नाउ दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू दिस ई-स्पोर्ट फील्ड कि भाई हमको भी ये एक ग्रोइंग सेक्टर है उसमें घुसना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका जो खुद का टैलेंट और खुद का ही एबिलिटी है टू गेट रिकॉग्नाइज बाय दीज कंपनीज इज समथिंग दैट यू शुड डू टू एक्चुअली गो इनटू ई-स्पोर्ट्स। भाई अगर मैं दूसरों की नज़रों में आ रहा हूँ कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, कि भाई इसको मैंने इसका गेम सर कभी नहीं देखा ऐसा खेलते हुए, इज वन ऑफ द बेस्ट, छोटे टूर्नामेंट्स में मैं अपनी टीम को कैरी कर रहा हूँ, अपनी टीम को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिता रहा हूँ, खुद एमवीपी बन रहा हूँ, एमवीपी इज लाइक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो एमवीपी इन केस, तो एमवीपी इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो अगर उस एस्पेक्ट में आ रहा हूँ तब मैं वो ट्रैक्शन गेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एक और जो सवाल था कि मल्टीपल टाइम्स आप कह चुके हैं कि छोटे टूर्नामेंट्स, तो पबजी से आई थिंक बैन तो हुआ, वो कोई बड़े कारणों से उन्होंने देखा ये हो रहा है वो हो रहा है, बट शायद दे डिड नॉट सी कि माइक्रो इकोनॉमी बन चुकी थी पबजी में। कि अब जैसे अगर हम 4-5 लोग हैं तो मैं बोलता हूँ मैं एक टूर्नामेंट रखता हूँ, मेरे को तुम 20-30 रुपए पर पर्सन दो, मैं टूर्नामेंट में एंट्री करवाऊंगा, जीते तो इतना कैश प्राइज, हारे तो तुम्हारा व्हाटएवर जो भी मतलब सिस्टम होता है। तो उससे भी लोगों का घर चल रहा था, दिन के 2,000-5,000 ऐसे ऐसे कमा रहे थे लोग, महीने के 30,000-40,000 ऐसे कर करके कमा रहे थे, और जब पबजी गया तो ये सब चला गया, उनको फिर स्ट्रगल करना पड़ा। एंड ये वैसे लोग हैं जिनको मिला दे फाउंडर कॉलिंग यू नो कि उनका टैलेंट गेमिंग में है, या फिर लोगों को गेम खिलवाने में भी है। आई थिंक एक थोड़ा कौन सा थग करके है कोई, हाँ, जो शायद वो रिटायर हो गया था बहुत अर्ली, हाँ, एंड उसने फिर बोला कि मैं को खुद नहीं बनना बट जो खेलते हैं मैं उनको उनको लेके जाऊंगा दुनिया में और ये सब, तो ये भी एक स्कोप है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही, जैसे कि अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो मैंने जैसे बोला कि आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट प्लेयर दूसरी बात कि पबजी से बहुत सारे गेम प्लेयर्स के वीडियो जो यूट्यूब पे रहते हैं वो नेसेसरली ये नहीं होता कि सबसे बढ़िया प्लेयर है, बट वो बोलता है उस टाइम जैसे अल्फा पांडे करके एक था शायद जो भोजपुरी में करता था और पबजी खेलता था, ऐसे बहुत सारे ना जो फनी कंटेंट बनाते हैं, तो वो भी एक स्कोप है ना। बिल्कुल, तो अब जैसे मैं देख की पर्सनालिटी आपकी कैसी है, अब मैं बहुत अच्छा गेमर नहीं हो सकता, मैं बहुत ही अच्छा गेमर, मेरे को बेस्ट हूं, मेरे को सब आता, मैं हो सकता नहीं हूं, बट मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, भले ही मैं बहुत घटिया खेलूं स्ट्रीम पे, पर जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं इंगेज कर रहा हूँ कम्युनिटी से, लोगों को वो पसंद आ रहा है। ठीक है, कैरी मिनाटी सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, ई-स्पोर्ट्स नहीं है, राइट, इज नॉट एन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर कहीं से भी वो, क्योंकि एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन मेरे हिसाब से, जो अगर नहीं जानते लोग, तो ई-स्पोर्ट्स अलग चीज़ है और गेमिंग अलग चीज़ है। ई-स्पोर्ट्स इज कि कहाँ पे आप वो गेमिंग एस्पेक्ट को कंपटीशन में ले आओ, राइट, आप कंपीट कर रहे हो, टीम्स हैं, सब कुछ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, गेमिंग मेरे जैसे आप जैसे लोग जो है वो गेमिंग करते हैं, राइट, सो कैरेक्टर भी गेमिंग करता है, गेमिंग करता है अपने पंस और अपने जोक्स और उन सबसे एंटरटेन करता है, दैट्स द रोज, तो वो जो एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ऑफ गेमिंग है,
वो जब लेके आते हो आप उसमें, तो आपके लिए अलग ही एरिया खुल जाता है. एंड आई थिंक इस टाइम पे इंडिया में आई थिंक वो ज्यादा फोकस में है. हाँ. काफी बड़ी कंपनीज हैं जो अब कंटेंट क्रिएटर्स और अपने वीडियोग्राफर्स और इन सबको ज्यादा फोकस देती है. क्योंकि आपको रिकॉग्निशन अगर ट्रैक्शन लाना है अपने कंपनी की तरफ तो आपको कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको. तो अगर किसी को चाहिए तो आई एम अवेलेबल. बट एनीवेज जोक्स असाइड, या सो ये भी एक्सट्रीम है, कंटेंट क्रिएशन भी एक्सट्रीम है. तो जो लोग अभी सैलरी पे हैं, ठीक है, वापस उस सवाल पे आ जाओ, जिनको सैलरी मिलती है उन स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, तो कितनी सैलरी मिलती है उनको, एंट्री में कितना मिलता है, 6 महीने बाद कितना मिलता है, अगर वो टिक गए 1 साल बाद कितना मिलता है, तो वो थोड़ा बताओ, थोड़ा मसाला दो कुछ. तो ठीक है, अगर बेसिकली अगर मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग सैलरी देखी जाए तो ज्यादा नहीं होती इन प्लेयर्स की, आई थिंक 35-40,000 रुपीस बहुत ज्यादा है. ठीक है, वो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहता है कि कितने अच्छे वो प्लेयर्स हैं, कैसा है या कौन सी कंपनी पे है, तो काफी सारे एस्पेक्ट रहते हैं उसमें. इंजीनियर्स को नहीं मिलती भाई इतनी एंट्री पे, तो आई थिंक कंपनीज 4 साल डिग्री करके आता तुम 20-25,000 में नौकरी कर, तो कह रहा है गेम खेलने के 35-40,000 मिल रहे हैं. अब तो अगर आप अच्छा खेलते हो, यू आर अ टॉप एथलीट इन द कंट्री, सो आई थिंक यू आर कंपेयरिंग इट टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड ना. हां ऑफ कोर्स, बाहर देशों में ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है. तो यहां पे अगर मैं, काफी सारे लोग जानते होंगे कि साशा, सो लाइक साशा को जानते होंगे लोग, नाभी का प्लेयर है. एंड साशा बोलूंगा तो नहीं पहचानेंगे, बट सिंपल बोलूंगा तो काफी लोग समझ जाएंगे कि क्या प्लेयर है. मैं तो नहीं समझ, नहीं समझाइए. सिंपल समझे तो लाइक सिंपल बेसिकली काउंटर स्ट्राइक का मेसी है या रोनाल्डो है, जो भी टॉप प्लेयर आप जिसको सपोर्ट करते हो. सो ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट दैट सीएसगो एवर हैड, राइट. सो उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो यहां पे टूर्नामेंट अर्निंग्स उतनी नहीं है, ठीक है. जो कि जो बाहर टूर्नामेंट्स रहते हैं एशिया में, यूरोप में, उनकी जो टूर्नामेंट अर्निंग्स रहती है उसके हिसाब से भी प्लेयर्स की सैलरी रहती है. क्योंकि अगर कंपनीज कैसे सस्टेन करेंगी, राइट, कंपनीज टूर्नामेंट अर्निंग्स आएगी, उनको स्पॉन्सरशिप डील्स आएंगी, तब जाके एज अ कंपनी भी वो कमाएगी, तब जाके प्लेयर्स को प्रोवाइड कर पाएंगी. तो आई थिंक स्टार्टिंग एंड जब अच्छी कंपनी में, इफ यू आर इन अ गुड कंपनी, इफ यू आर सोल या और इफ यू आर इन डेविनिटी स्पोर्ट्स, वाइटैलिटी, सॉरी वाइटैलिटी बोल रहा हूँ, वीएलटी, उसके बाद उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप डील्स आ रही है, आपकी ब्रांड आ रही है, आपका जो इमेज है, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो वो एक्स्ट्रा. हाँ, अब हम लोग इस पे आए कि अभी हाल ही में प्यूमा ने डील किया है किसके साथ, ऑरैंगुटैन के साथ. प्यूमा ने डील किया है कि उनके जो एथलीट्स हैं उनके लिए जो किट बनेगी वो प्यूमा बनाएगी, जो आई थिंक काफी क्या बोलते हैं मोटिवेशन देगा पूरी इंडस्ट्री को कि यू नो अब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, पीपल आर टेकिंग अस सीरियसली. ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स को सब सीरियसली ले रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं, इतना सारा मतलब ई स्पोर्ट्स के अराउंड इतनी सारी चीजें बन रही हैं. तो स्पॉन्सरशिप से भी कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा वो, और कैसे कैसे कंपनीज ई स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर बन सकते हैं, राइट. तो अगर ये इस डील की बात करें प्यूमा और ऑरैंगुटैन की, सो अब सेम चीज देखी जाए तो प्यूमा क्यों घुसा ऑरैंगुटैन के साथ एक पार्टनरशिप में, क्योंकि नाउ दे सी कि जो फ्यूचर है वो ई स्पोर्ट्स है इंडिया में. क्योंकि जो ई स्पोर्ट्स का जो क्रेज बढ़ रहा है, जो फॉलोइंग बढ़ रही है, जो इन ऑरैंगुटैन जैसी टीम्स को जो फॉलोइंग मिल रही है, जो उनका सपोर्ट है, फैंस है, सो उसको इंक्रीज को देखते हुए ये कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करने को रेडी है. इंडिया बहुत इमर्जिंग मार्केट है, राइट. और अभी भी इंडिया इन जैसी कंपनीज के लिए बहुत सैचुरेटेड है.
राइट, उनको कंपटीशन इतना है, लोकल कंपटीशन इतना है, फिर उसके बाद उनके जो सेम लेवल का जो कंपटीशन है, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, उनसे जो कंपटीशन है. सो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी प्यूमा की, प्यूमा ने जो हैशटैग चालू किया इस कोलैबोरेशन के साथ, वो हैशटैग है हैशटैग ऑल्सो एन एथलीट. अच्छा, राइट. सो वो जो एस्पेक्ट है प्यूमा सपोर्ट एथलीट्स, वो उसका ब्रांड बिल्डिंग हो गया ना, वो उसका ब्रांड बिल्डिंग है. सो कितना ही खर्चा होगा, एक अगर रैंगुटैन के साथ किया ना, उसे कितने एथलीट्स हैं, कितने एथलीट्स हैं रैंगुटैन की, दो टीम्स हैं अभी तो सेम वैलोरेंट में खेल रही हैं, तो आई थिंक मैक्स टू मैक्स 10-15 लोगों के लिए. चलो तुम 50 ले लो, ठीक है, 50 लोगों के लिए पूरी टीम मिला लो, ऑफिस मिला लो, सब कुछ ए टू जेड मिला लो, 50-60 लोगों के लिए प्यूमा को कपड़े बनाने में क्या खर्चा है. लेकिन उसने जो ब्रांड बिल्ड किया उसे, प्यूमा इज नाउ द पायनियर कि इस इंडस्ट्री में प्यूमा पहली कंपनी थी जिसने ये किया. अब कोई भी अब कोई आ जाए, दे विल ऑलवेज बी सेकंड, फर्स्ट इज प्यूमा थी ऑफ दैट लेवल. हां ऑफ कोर्स, क्योंकि अब सो ओरांगुटान की अगर बात करें तो पहले सबसे पहला उनका स्पोंसर नाइकी था, उसके बाद 656 नाइकी हैज डन दिस, नाइकी हैज डन विद द ओरांगुटान, उसके बाद प्यूमा इज नॉट फर्स्ट. No, no, no. Puma is not first. Okay. Puma is the third one they got. 656 के साथ वो 656 भी काफी बड़ी कंपनी है. Okay. India की jerseys भी I think 656 बीच में बनाती थी. I'm not wrong. A football jersey. Football, Indian football. हाँ. और now it is with Puma. So Nike has done this before. Nike had done, जहाँ तक मुझे याद है Nike ने किया है Puma के साथ. But I think वो काफी short term deal थी, ज़्यादा नहीं थी. But Puma has come up with I think one of the biggest deals with orangutan, सबसे बड़ा उनके लिए. So I think तो एक और interesting चीज़ है, Puma सिर्फ kits नहीं provide करते थे. So अगर आप orangutan के boot camp पे जाओ, यहाँ पर उनको visit करो, तो you'll see कि वहाँ पे उनके लिए shoes, peripherals, सब कुछ, पूरा accessories, सब कुछ provide किया है for them. Right? So वहाँ पे उनकी wall है, जहाँ पे they have all the Puma shoes, top tier Puma shoes kept in their boot camp. Players, content creators, every team, they can go pick the shoes, wear it, keep it back. और सरकारी जूते टाइप एक उन्होंने वहाँ पे बना दिए है, library उसकी कि you can just use and go. So एक वो जो recognition है e-sports का, e-sports team का, Puma का, तो I think वो एक काफी अच्छा relation है जो वो create कर रहे हैं. Cool. तो ये बताओ मेरे को कि अब e-sports को तो हो गया काफी time और इंडिया में अभी भी नहीं हुआ है, बट ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने मतलब ग्लोबल रिकॉग्निशन पाया इंडिया से? इंडिया से मैं आई थिंक अगर पीसी गेमिंग में जाऊं तो काफी लोग हेट भी कर सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं इसका. एसके रॉसी, मैं आपको इसका इंस्टाग्राम दे दूंगा, गालियां उसका डीएम में देना, मुझे मत देना. एसके रॉसी, सब रॉसी, हां ये नाम सुना हुआ है, रॉसी जानते होंगे, लाइटनिंग फास्ट. तो ये जो प्लेयर्स है, ये ग्लोबल स्पोर्ट्स टीम है, उनके दोनों प्लेयर्स हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स. ऑफकोर्स सब पहले इंडिया की ही ओरिजिन कंपनी है, नाउ देयर कॉल्ड इंटरनेशनल, सिंगापुर में उनका सब उनका जो बेस है वो सब जा चुका है. तो दीज टू प्लेयर्स हैव आई थिंक गॉटन मोस्ट रिकग्निशन इन वैलोरेंट इन पीसी गेमिंग. राइट, पबजी और बीजीएमआई और इन सब पे जाए तो फिर तो अपने पास लिस्ट बहुत बड़ी है. अच्छा. काफी लोग जा चुके हैं, ओमेगा हो गया, मॉर्टल है, स्काउट है, और वाइपर है, इनको लोग सब ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला. हां, दुनिया में लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं मॉर्टल को, तो लिटरली सब लोग जानते हैं. yeah. तो आई थिंक ये कुछ टॉप प्लेयर्स हैं जो उन्होंने वो अपना एक बनाना अपना एक वो जो छाप है वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी जो पर्सनैलिटी है उसकी वजह से भी उन्होंने काफी ट्रैक्शन गेन किया अपने लिए. एंड एस के रॉसी और इन लोगों में इसलिए बोलूंगा क्योंकि दे आर द टॉप ग्लोबल स्टेज ग्लोबल स्पोर्ट्स. अभी आई थिंक इकलौती इंडियन टीम है जो बी सी टी में खेल रही है, वैलोरेंट में खेल रही है. सो दैट्स अ टॉप टीयर, एक इकलौती टीम है जो वहाँ पे खेल रही है अभी इस मैन. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी प्ले ऑफ में नहीं क्वालिफाई कर पाई ग्लोबल स्पोर्ट्स, बट दे हैव अ चांस इन एल सी क्यू. लास्ट ईयर क्वालिफायर में दे हैव वन स्पॉट दैट दे कैन क्वालिफाई फॉर द चैंपियनशिप. So, let's see क्या होता है. So, आप लोग को अगर फॉलो करना है, कोई आइडल्स बनाने हैं, मतलब रोल मॉडल्स बनाने हैं, तो these are the names you can look up to, क्योंकि
आपको कोई भी पसंद आ सकता है, वो आपका चॉइस है, बट जिस बंदे ने वो ग्राइंड करके अब दुनिया में नाम कमा रहा है, आई थिंक वो एक अच्छा रोल मॉडल बन सकता है। तो आज अगर देखो यूट्यूब पे तो एस के रोशन का एक काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट्री लॉन्च किया था ग्लोबली स्पोर्ट्स ने, एंड आई रिकमेंड कि लोग वो देखें, क्योंकि लाइक उससे आपको पता चलेगा कि वॉट एक्चुअली गोज थ्रू एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स लाइफ, क्या चलता है बैकग्राउंड में, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या फैमिली प्रेशर है, क्या कंपनी प्रेशर है, क्या कंट्री प्रेशर है, क्योंकि बीइंग द इकलौती एक इंडियन टीम होने के बाद कितना प्रेशर है, कितने लोगों का आपको प्रेशर है, तो उसको हैंडल करना। इंडिया में तो भाई पहली बात आप किसी चीज़ में भी बेस्ट हो, कुछ भी हो, कुछ तो यू आर वर्दी ऑफ प्रेज, आप तारीफ पे काबिल हो, आप इंडिया में कुछ भी हो, तो भाई 130-140 करोड़ लोग या मजाक है क्या, उसमें आप टॉप पे हो, ठीक है चलो ये तो एक हो गया। अब मेरे को एक बात, मैं एमेचर मैं नूब हूँ, चलो मैं अपने स्किल कैसे बढ़ाऊँ, मैं वो आना है इस इंडस्ट्री में आना है, मुझे पता है अगर मेरे को इंजीनियर बनना, मुझे ये किताबें पढ़नी है, मैं बन जाऊँगा, मेरे को कैसे मैं अपने स्किल्स बढ़ाऊँ कि मैं अच्छा खेलने लगूँ और मैं भी नोट छापने लगूँ फटाफट। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिशनल स्पोर्ट जैसा चालू होता है कि आप एक गेम पकड़ते हो, उसको खेलना चालू करते हो, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप धीरे धीरे अपने दोस्तों से, पर फैमिली से और भी लोगों से एडवाइस लेते हो कि नो इस चीज़ में मैं कैसा अच्छा हो पाऊंगा, राइट। फिर आप धीरे धीरे कुछ छोटी अकेडमी या कुछ छोड़ा या उससे अकेडमी भी छोड़ो, मैं वही बोला अकेडमी भी छोड़ो, सर मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब खोल लिया ना, यूट्यूब पर चालू करता हूँ मैं देखना कि अच्छा ये वाली पिक कैसे मारते हैं, ये कैसे मारते हैं, बोलिंग कैसे करते हैं, वो चालू करते हो आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी। हाँ यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, उस पर आप जाना चालू करते हो, वहाँ से आप सीखना चालू करते हो, फिर आप धीरे 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 तो सजेस्ट करो ना इनको कि तो, हाँ, को चैनल्स बताओ तो जो सिखाते हो। ओके अब चैनल्स, सो चैनल्स अगर मैं देखूँ तो वैलोरेंट के लिए मैं बोल सकता हूँ, मैं कि मोबाइल गेमिंग में इतना मेरा नहीं है, तो वैलोरेंट में काफ़ी सारी, इंडिया में तो अभी नहीं ऐसा कोई ज़्यादा, इंडिया में तो क्या है इंडिविजुअल जो कोचेज हैं, इंडिविजुअल जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, वही अपनी ट्यूटोरियल वीडियोज, छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज, ये सब डालते हैं जिससे प्लेयर सीख सके कि अच्छा ये कौन सी चीज़ें क्या करनी। वैलोरेंट में अगर मैं देखूँ तो अप स्किल करके हो गया, उसके बाद स्किल कैप हो गया, तो ये जो कंपनीज हैं दे प्रोवाइड रियली गुड कॉन्टेंट ऑन YouTube, फ्री कॉन्टेंट दैट प्लेयर्स कैन गो एंड लुक, लाइनअप्स हो गए, हाउ टू यूज योर एजेंट्स हो गया प्रॉपरली, गन्स कैसे चलानी है, रिकॉइल कैसे कंट्रोल करना है, क्राउच करना है कि नहीं करना है, कौन सा एक मैप पे कौन सा एजेंट पिक करना है, रोटेशंस कैसे करने हैं, कौन सी यूटिल कहाँ यूज करनी है, सब कुछ ऑन डिटेल दिया। तो मतलब एक तरीका है आप कोचिंग लेके नूब से प्रो बन सकते हो, मतलब इट्स नॉट कि इधर यू आर बोर्न विद इट और यू नॉट, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी बन सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इट ऑल कम्स डाउन टू योर मैकेनिक्स एंड योर माइंडसेट, राइट। अगर यू आर डेडिकेटेड, यू आर कि हाँ भाई मेरे को, मैं अपने आप को एक साल दे रहा हूँ, सेम जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, कुछ भी हो गया, यूपीएससी का तो कोई भी एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, मैट हो गया, तो अगर मैं उसमें उसमें भी तो मैं भाई बैठ जाता हूँ कि अच्छा ठीक है ये है, एक साल मैं दे रहा हूँ अपने आप को, इतना मैं प्रिपेयर करूँगा, ये जाऊँगा और ये मेरा टाइम बोल सकते, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मोबाइल पकड़ बैठा हूँ, मेरे को सीखना है भाई मैं क्या। तो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर और एक गेमर में यही अंतर हुआ कि अगर मैं एक ई स्पोर्ट प्लेयर को पूछूंगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है और क्यों करना है, तो ई-स्पोर्ट प्लेयर मेरे को बता देना, गेमर शायद नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर कोचिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, उसके बाद डिस्कॉर्ड पर अगर आप जाओ, डिस्कॉर्ड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिस्कॉर्ड पे लोकल लेवल पे अगर मैं देखूँ तो एक गेमिंग गीक्स करके एक प्लेटफॉर्म है, गेमिंग गीक्स काफ़ी छोटा है अभी इस टाइम पर, ज़्यादा नहीं है उनके पास, एक या दो ही रेडियंट कोचेस हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आप उनको रजिस्टर करो, पहला आपका जो कोचिंग सेशन रहता है वो फ्री रहता है, ठीक है। तो आप उनको रजिस्टर करो, 10 लोग आते हैं, वो एक आपको गेम में डालेंगे, आप साथ में खेलोगे, वो आपको एक एक को देखेंगे, एंड गेम खत्म होने पे आपको 10-10 मिनट का एनालिसिस देंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि कैसा खेला, क्या गलतियाँ थी, क्या आप कर रहे हो, क्यों क्या आप बेटर कर सकते थे, जस्ट टू गिव अ वो एक टेस्ट देना कि आपको कैसा है, उसके बाद आप उनको पे करोगे, देन यू कैन टेक पर्सनल कोचिंग। तो डिस्कॉर्ड पे देयर आर मेनी सर्वर्स,
कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हो उनको. यू कैन जस्ट गो अप्लाई कि मेरे को सीखना है, फॉर्म भरो उनका, उनको वॉर्ड वीडियोस भी जो अपनी वॉर्ड रिव्यूज करते हैं वो लोग, तो आपका वीडियो देखेंगे, गेम प्ले देखेंगे, आपको समझ में. तो ये छोटे 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 स्टेप्स लेके आई थिंक एक न्यू प्लेयर या एक अमेच्योर प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर की तरफ या प्रोफेशनल लाइन ऑफ वर्क की तरफ बढ़ सकते हैं. आई थिंक इन्होंने जो भी कहा कि आप अगर बिगिनर हो, आप चाहते हो, आपको मजा आता है खेलने में, उसे आप करियर बनाना चाहते हो, तो लाइक एनी अदर स्पोर्ट यू हैव टू गो एंड टेक सम कोचिंग. एंड आई थिंक वो बढ़िया है ना, रादर देन आप टाइम वेस्ट करो, अपना खुद सीखो, दूसरों की गलतियों से सीख के आगे बढ़ो. जल्दी कोचिंग लो, 100 रुपए लो, 500 रुपए लो, जो लगता है, तो टाइम बचाओ ना, टाइम इज वैल्यूएबल. अब आप 19 साल में पहुंच जाओगे उस लेवल पर, रात 25 साल में पहुंचोगे, तो उतना टाइम बचाया ना आपने. कोचिंग लो भाई, कोचिंग अवेलेबल है. एंड बिल्कुल जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है. ऐसा नहीं कि बहुत आप, ऑफ कोर्स आप पेरेंट्स का रहता है इतना यंग पे चालू नहीं करने देते, बट ऑफ कोर्स ई स्पोर्ट्स में भी एक एज का वो रिस्ट्रिक्शन तो रहता ही है. बट सो आप 16 साल 15-16 साल की उसमें हो रेंज में और आप उसमें घुसना चाहते हो स्पोर्ट्स में, तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो बेस्ट टाइम है. ठीक है, आप गाइडेंस लो, कोचिंग लो, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, पूछो उनसे. तो इन लोगों से पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो, उनसे इंस्टाग्राम पे बात करो, पूछो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या उसका प्रोसेस है. बिल्कुल, एंड अगर आप इतना टाइम दे ही रहे हो तो अब ई-स्पोर्ट्स ऐसी चीज बन गई, चाहे पबजी हो चाहे कोई गेम हो, अब ऐसी चीज बन गई है कि आप उसको सिर्फ एज अ टाइम पास के लिए मत करो. अगर आप टाइम दे ही रहे हो तो माइट एज वेल उससे कुछ कमा भी लो, माइट एज वेल कुछ यू नो बढ़िया करो उस पे, बढ़िया करो. बिल्कुल, आई थिंक स्किल्स अपने डेवलप करो, पर्सनालिटी डेवलप करो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि प्रो प्लेयर बनने की जरूरत है, आप दूसरे भी फील्ड्स हैं जो स्पोर्ट्स उसमें जा सकते हो. अपनी पर्सनालिटी, आपको जो करने में मजा आता है वो करो, स्टार्ट करो, एंड किसी भी और गेम की तरफ या किसी और गेम की तरह स्पोर्ट्स में भी सेम तरीके से. बिल्कुल, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन था. ई-स्पोर्ट्स पे हम और ज़्यादा बात करेंगे, और भी पॉडकास्ट हम लोग लाएंगे. पहला इंट्रोडक्टरी एपिसोड था, पहले तो मुझे ही समझना पड़ा कि होती क्या है ये चीज़, बट आई थिंक अब फिर आइडिया मिल गया मुझे. एंड मैं भी कोचिंग शुरू करने जा रहा हूँ, और किसी से पूछूंगा ये कैसे करना है, और देखता हूँ मैं ये सिर्फ ऐसी बकवास कर रहा है या मेरा भी लेवल बढ़ता है कि नहीं. अगर बढ़ा तो मैं बताऊँगा अगले पॉडकास्ट में, नहीं बढ़ा तो फिर इंस्टाग्राम तो दे रहा हूँ इसको गालियाँ देना. एंड हाँ, तो आपको अगर लगा कि आप भी ई स्पोर्ट्स को एज अ करियर बना सकते हैं, तो इसने जो जो नाम लिए हैं यहाँ पे, जो भी बातचीत हुई है, आप उसे ज़रूर यूज़ करें, यूटिलाइज करें. ई स्पोर्ट्स की बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, यूट्यूब पे खुद इतने सारा कॉन्टेंट है, व्हाट्सएप पे भी है. एंड थोड़ा रिसर्च करो, एंड रिसर्च करो, खुद भी करो, सेल्फ रिसर्च इज द बेस्ट आई थिंक. जो आप खुद डिस्कवर करोगे तो उसका अलग ही मज़ा होता है. तो ई स्पोर्ट्स को भाई सीरियसली लो, क्योंकि ई स्पोर्ट्स इज द फ्यूचर, एंड पूरी दुनिया सीरियसली ले रही है. तो अगर आप टाइम पास के लिए खेल रहे हो तो आप उसको सीरियसली खेलो. हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही पॉइंट बोला ये, कि अब ये टाइम है, ये करेक्ट टाइम है बिल्कुल ई स्पोर्ट्स को सीरियसली लेने का. एंड इंडिया ऐसा जैसा बूम कर रहा है अब, आई थिंक बहुत सारी कंपनीज इंडिया आ रही हैं बिजनेस करने विद अदर स्पोर्ट्स. सो ई स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी ऑन द टॉप, वेयर यू नो पीपल आर गोइंग टू कम फ्रॉम आउटसाइड एंड लुक फॉर टैलेंट इन इंडिया एंड टेक देम आउटसाइड. बिगेस्ट कंपनीज, लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए. ठीक है, तो इफ यू वांट मोर देन यू कैन व्हाट्स योर इंस्टाग्राम? इट्स aditya_adi3. ठीक है, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड इसे आप फॉलो करें, और कुछ डाउट्स चाहिए तो आप इसको भी डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई कर दिया. स्पोर्ट्स बैकस्टेज का नाम लेना कि स्पोर्ट्स बैकस्टेज पे आप लोग पॉडकास्ट देख के आए. एंड आगे पॉडकास्ट और बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट आने वाले हैं जिसमें आपको पता नहीं कि बहुत तगड़ा करियर बन सकता है. तो आप लोग सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपने कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इसे शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हमारे गेस्ट्स जो आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं बुला सके, हमको भी लगे कि हाँ एक बढ़िया कम्युनिटी से बात हो रही है. स्पोर्ट्स बैकस्टेज इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. जितने भी स्पोर्ट्स हैं मैं कोशिश करूँगा कवर करने के, उनके पीछे क्या क्या न्यूएंसेस है, क्या क्या चलता है, कैसे चलती है वो इंडस्ट्री, वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे. अगले पॉडकास्ट में हम लोग ई स्पोर्ट्स में जो मनी इन्वॉल्व है, जो पैसा इन्वॉल्व है, कि कंपनीज कितना पैसा डाल रही है, कितना कमा रही है, हम लोग उस पर बात करेंगे. सो आप लोग यू वॉन्ट टू वॉच दैट, do subscribe to the channel and stay tuned, and thank you for watching. Cheers.